मोदी है तो मुमकिन है। इस बार सारी जनता उनको जो बोलते हैं हमेशा खामोश, इस बार हम लोग खामोश उनको कर देंगे। खामोश जो कहने वाले हैं वो खामोश हो जाएंगे। काम करेंगे यार, समय पर आप चले आते हो। वोट दिया मैंने नौवीं पोल को, वोट क्यों दूंगा? मैं खुद एमबी कर रहा हूँ, मैं क्यों वोट दूंगा? नीतीश सरकार इतना अच्छा काम किया, मैं क्यों वोट दूंगा? नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ रही, जनता सोच समझ कर अपना मतदान करने गई। 5 साल बाद जो मौका मिला था, लेकिन आखिरकार जनता के दिल में था क्या? जब मतदान करने गए तो सोचा क्या था, क्या समझ कर पहुंचे थे? इसी मुद्दे पर आज बातचीत करते हैं। दूसरे चरण में जनता ने क्या सोचा? आपने मतदान किया अपना? जी, मैं तो सुबह सुबह ही मतदान करके आ गया था, 8 बजे ही। 8 बजे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वोट देना। ये पहला वोट था कि इससे पहले? ये तीसरा वोट था मेरा, मैंने 2015 में पहली बार वोट दिया था। अच्छा, हाँ। आप तो लगातार जो है भागीदारी निभा रहे हैं। इस बार क्या जहन में था जब गए मतदान करने? इस बार मेरे जहन में ये था कि इस बार जातिवाद से ऊपर उठना जरूरी हो गया है अब देश को। अब हर बार आप जाति के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, इस बार थोड़ा विकास। अब मैं युवा हूँ, मेरे लिए जाति कोई मैटर नहीं करती है, मेरे लिए डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा मैटर करता है। डेवलपमेंट पर आपने? हाँ जी, विकास के मुद्दे पर अपना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जात पात विरुद्ध नहीं, बिल्कुल कोई जात पात। यार यानी बदल गया इस बार 2020? हाँ, में चुनाव अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। मैंने इस बार जाति को तो देखा ही नहीं, बिल्कुल। मैं को बस डेवलपमेंट चाहिए था, इसलिए मैंने अपना वोट भी बदला। वोट बदला इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये युवा है और इन्होंने, आपने अपना मतदान किया कि नहीं? अब जाने वाले हैं, बेटा को दिला दिए हैं, वाइफ को लेके आएंगे, वाइफ को दिलाएंगे, फिर माँ को लेके आएंगे, उनको दिलवाएंगे। सबको वोट दिलवा रहे हैं? हाँ, दिलवा रहे हैं। आपने पहली बार मतदान किया? जी जी, विधानसभा में पहला। पहला बार यानी फर्स्ट वोटर हैं? जी जी जी। क्या सोच के, जो पापा ने कहा वही वोट डाल दिया कि अपनी बुद्धि से डाल? अपनी बुद्धि से डाले हैं, पढ़े लिखे इंसान है तो फिर दिमाग तो अपना यूज करेंगे। इन मुद्दों पर दिया मतलब? जी जी, एकदम एकदम। विकास, जिस टाइप का सिचुएशन चल रहा है अभी, जो जरूरत है अभी बिहार में, उसी बेसिस पे दिया है वोट। उसी बेसिस पे दिया, और एकदम जो जो परफेक्ट उम्मीदवार है उसी इंसान को दिया गया। अच्छा, यानी झांसे में इस बार नहीं आया कोई, सोच समझ के? सही बात है, सोच समझ ही को देना है। अपना मतदाता अपने, अपना मतदाता अपनी सोच। सर, किस मुद्दे पर इस बार पहुंचे थे मतदान करने? मतदान करने के लिए हम लोग पहुंचे थे कि जन जन का सुविधा हो, मिलना चाहिए, रोड सड़क पानी यही सब होना चाहिए। रोड सड़क पानी, नाम पर इस बार, काम पर, पहचान पर? बिल्कुल। किस पर? काम पे। नाम पे नहीं? नहीं, नाम पे नहीं, काम पर। काम पे? हाँ। तो ये काम पर अपना वोट देकर आए हैं, और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। आपने नाम पर इस बार दिया मतदान की, पहचान पर या काम पर? ये हम दिए नोटा पर। नोटा पे ही पहुँच गए? ये सरकार जान माल की सुरक्षा नहीं करने में समर्थ है। चलो भाई, ये तो नोटा पे पहुंच गए। आपने मतदान दिया कि नहीं? दे दिया। तो इतना क्यों घबरा रहे हैं? तो खुशी दिखाइए। तो दे दिए, दे दिए। हाँ, क्या मुद्दा रहा सर इस बार? मुख्य मुद्दा मैं बताऊं? हाँ बताओ। केंद्र सरकार के स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोई अच्छा रास्ता दिखाए, 2024 में आने वाले इलेक्शन में एक काम आएगा, ये हाईलाइट कीजिएगा जरूर, आपसे रिक्वेस्ट है। जी, आपने क्या मुद्दा सोचकर मतदान किया? विकास के। विकास का मुद्दा? विकास के। वो दिखा यहाँ पर जो बातें होती रही, तमाम प्रचार हुआ, दावे हुए, वादे हुए, उतरे सड़क पे कि नहीं? हाँ हाँ, सड़क पर उतरे, विकास भी हुआ है, उसी के आधार पर वोट भी दिया है, यही बात। वोट देकर आ गए? हाँ जी। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। 5 साल बाद ये मौका मिला, इस बार जहन में क्या था, दिमाग में क्या था? नाम था, पहचान थी, काम था? काम था। हुआ है? हाँ, काम हुआ है। अब जो इतना अपराधी छवि वाले लोग हैं, अंडरग्राउंड होल हैं, वो सुशासन का है और सरकार का मुस्तैदी का नतीजा। आज अपहरण कांड बंद हो गया, रंगदारी बंद हो गया, ये सब लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत काम हुआ है। बहुत काम, बहुत काम हुआ। आज जो ये रोड चिकना देख रहे हैं ना, इस सरकार की देन है। लगातार प्रचार प्रसार उतर गए, मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश के, कई प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, तमाम अमला रहा, तो आपको क्या दिखा कि कौन सा प्रचार आपको? हमारी सरकार हमारे लिए क्या, ये हमको ज़्यादा दिखा। बाकी वो सब तो आते हैं, उनको जमीनी स्तर का कोई चीज़ थोड़ी सोचता है। यहाँ जमीनी स्तर पर को जो भी काम हुआ है वो यहाँ के लोग बताएंगे ना। तो आपने काम पर वोट दिया? बिल्कुल, काम पर वोट दिया है। लेकिन लगातार रोजगार की बात होती रही कि हम देंगे, हम देंगे। भैया जिसमें प्रतिभा है उसको रोजगार मिल रहा है,
आप में प्रतिभा नहीं है तो आप रोजगार खोजिएगा कहाँ से मिलेगा, सीधी सी बात है। एक आप व्यापारी हैं तो 10 को रोजगार आप दे रहे हैं, आप अकेले अगर रोजगार कर रहे हैं तो कितने को रोजगार दे रहे हैं? मतलब जिसमें प्रतिभा मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है। चलिए इधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करें। मतदान दिया भैया कि नहीं? मतदान दिया, बिल्कुल दिया। क्या सहन में रहा, क्या सोच विचार करके इस बार मतदान दिया? क्योंकि प्रचार प्रसार तो बहुत बुरी तरीके से हो, कोई कह रहा था कि पहली कलम में ये कर देंगे, कोई कह रहा है कि हम आके इस तरीके से बदल देंगे। क्या जहन में टकराया कि इस मुद्दे पर जाऊंगा और वोट देकर आऊंगा? बिल्कुल इस बार मैंने यही सोचा कि इस बार परिवर्तन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्य का घमंड हर एक इंसान को होता है, इस चीज़ का गुरूर कभी नहीं रहना चाहिए किसी को, और इस बार परिवर्तन बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वोट मैंने इसी समझकर मैंने दिया। सोचकर आपने मतदान दिया, आपके जहन में क्या रहा सर? सर वोटिंग तो देना है, वोट तो करना है, हाँ। युवा है, करेंगे। समझ तो यही है कि थोड़ा सा परिवर्तन मेरे भी दिमाग में चल रहा है, क्योंकि अफसरशाही देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा, बस इसी की खत्म सोच है, इसी को करना है। आपने मतदान दिया भैया कि नहीं? दे दिया। क्या था दिमाग में? बस दिए विकास के लिए। विकास के लिए? कौन सा विकास? वो पहली कलम वाला विकास या जो चल रहा है वो विकास, या जहन में कुछ जो चल रहा है वह चलते रहे, थमे ना? नहीं थमे नहीं, बता रहे कि बहुत दिन हो गए थम जाए। नहीं नहीं काहे थमेगा, जो चल रहा है चले दीजिए, चले दीजिए। और ये मोदी योगी ये भी प्रचार बहुत किए, कुछ प्रचार का भी असर रहा? वो पूरा असर है, ये है, काम भी है तो मुमकिन है जी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन जी, राहुल है तो मुमकिन नहीं ना। वो कह रहे कि तेजस्वी है तो भी मुमकिन रहे ना, हमको तो ना लगता, नहीं लगता ना। क्या था दिमाग में इस बार? विकास और क्या रहेगा, वो तो कह रहे हम आएंगे तो करेंगे। अब आएंगे तब करेंगे, ये कर रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनके साथ ना चलना है। तुमने तो सीधी बात कर दी, नाम सीधी एक लाइन, सीधी बात दो बकवास। कमल खिल गया, खिल गया, खिल गया कि मुरझा गया? खिल गया, खिल गया, खिल गया, कमल खिल गया, कमल खिल गया। अरे छुट्टी है इस बार? किसका? जो थे ना। क्यों भैया क्या था मुद्दा दिमाग में? दम कमल का मुद्दा है, और मुद्दा ही निसीदा कमल, बस कमल कमल कमल, जितना कर रहा है उतना कुछ नहीं, कमल एकदम परफेक्ट कमल। मोदी का जलवा चल रहा है एकदम, एकदम पूरा जलवा है मोदी का भयंकर। और पहली कलम वाले? पहली कलम वाले तो बाबा रे बाबा, वो तो बर्बाद कर दे, लोटा थाली बेचवा देगा लोटा थाली बेचवा देने वाला पार्टी है। वहाँ कह रहे कुछ बदलाव दिखे? नहीं नहीं कोई बदलाव नहीं, अपने ने बदलाव, कमल तो कमल, अपने नहीं बदलाव किए दूसरा क्या बदलाव करेंगे भैया। बात सही बोले हैं, बस एक रख। इस बार सारी जनता उनको जो बोलते हैं हमेशा खामोश, इस बार हम लोग खामोश उनको कर देंगे। कर दिया, कर दिया, हो गया क्लियर। अरे टक्कर बहुत तगड़ी है, नए नए चेहरे, मुख्यमंत्री तो आपकी सीट पर ही है भैया, क्लियर हो गया। मुख्यमंत्री सीट पर है आपकी? मुख्यमंत्री है हमारे सीट पर, पहले भी थे और अभी भी रहेंगे, एनडीए सरकार बन रही है। और ये पुष्पम प्रिया लव, अरे यार हवा का झोंका है, आंधी आएगा हवा की तरह चला जाएगा, ना पुष्प वर्षा होगा ना कुछ होगा, 10 तारीख को पता चलेगा, 10 तारीख को कमल खिलेगा। ये मैं आपको भी कह रहा हूँ भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी का 15 साल खिल तो रहा था, 15 साल खिल तो उसका खिल रहा था, 5 साल फिर खिलेगी, लगातार थोड़ी खिलेगा। खामोश जो कहने वाले हैं वो खामोश हो जाएंगे, काम करेंगे यार। समय पर आप चले आते हो, अब बाकी सीन कहाँ रहते हो? बॉम्बे में, महानगरी में, यहाँ के जनता क्या करे? साक्षी के भाई को, अरे यार याद भी नहीं रखा तुमने। क्या क्यों याद करूंगा, क्यों याद करूंगा, वो फिल्मी स्टार है, फिल्मी तक पर्दे तक, बस उसके बाद क्या? आप राजनीतिक में आए हो तो कह रहे जुमलेबाजी करते हैं सिर्फ, और तो अरे यार जो कहते हैं वो करने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो, मेरा कमल खिल रहा है, खिलता रहेगा हमेशा जब तक ले है बांकीपुर विधानसभा से, हमेशा कमल खिलेगा। क्या दिख रहा है भाई साहब, यहाँ तो बहुत तगड़ा मामला है, ये तो बोल दिया लेकिन धक धक कर रहा है दिल, क्यों धक धक करेगा, कोई धक धक नहीं, एकदम डायरेक्ट कमल, कमल खिलेगा तो कमल खिलेगा, धक धक नहीं, जोर से कहूंगा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और कुछ आपको सुननी है? नहीं नहीं जिंदाबाद तो खैर बाद में होता रहेगा, 10 तारीख को पता चले, 10 तारीख को तो कमल खिलाऊंगा। वो तो कह रहे रफ्तार, तेज रफ्तार, क्यों तेज रफ्तार की बात कर रहे हैं? क्यों तेज रफ्तार, नितिन नवीन था आज भी है रेस में, आज भी है रफ्तार रही एकदम रफ्तार में है, और वो तेजस्वी तेज रफ्तार, कोई फर्क कुछ नहीं,
फेल कभी नहीं बनेगा। वोट दिया मैंने, नौवीं फेल को वोट क्यों दूंगा, मैं खुद एमबीए कर रहा हूँ, मैं क्यों वोट दूंगा? नीतीश सरकार इतना अच्छा काम किया, मैं क्यों वोट दूंगा? 15 साल जंगल राज रही, उस समय तो बेटा तो अपना धन बनाते चला गया, और आज बोल रहा है कि एक मौका दो, एक मौका दो। किस लिए मौका दें, किस लिए मौका दें? कह रहे तेज रफ्तार, तेज रफ्तार चला गया, तेज रफ्तार चला गया, तेजस्वी सरकार चली गई। 10 तारीख को नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं वापस। डर लग रहा है उनको भी? किसी को डर नहीं लग रहा, ये तो बस विपक्षों का खाली है, पैसे दे देकर लोगों को भीड़ जुटाई जा रही है। आप न्यूज में देखो, आप चैनल्स में देखो, लोग बोल रहे हैं अरे पहली कलम से कर देंगे खेल। कुछ नहीं मिलेगा पहली कलम से, मिलना होता तो 2.5 साल वो मुख्यमंत्री थे, वो दे देते हैं जॉब, वो सबको दे देते हैं। कलम हाथ में नहीं थी ना? अरे यार, तो सरकार में वो थे ना, वो तो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के पास सब कुछ, वित्त मंत्री थे, वो सबको पास उनके पास था, वो कुछ नहीं किए। और आज जब वो सरकार से बाहर है तो बार बार बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, सब बस ढोकलेबाजी है। डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, वो फेल हो गई, मोदी जी जुमलेबाजी कर रही है बोलते हैं। उनकी बातें बस कथनी करनी में अंतर है। 10 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये सबको पता है। ये पता है? हाँ, सबको पता है। सर क्या पता चल रहा है, क्या सोच के गए थे मतदान करने? देखिए हम बदलाव चाहते हैं। हाँ, पहली कलम। हाँ, मेरी सोच है बदलाव, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य इसके प्रति जो गिरावट हुआ है, युवा जो आज बेरोजगार हैं, बीए और एमए कर करके जो सड़क पर भटक रहे हैं, यहाँ से पंजाब जा रहे हैं कमाने, हरियाणा जा रहे हैं, तो मेरा सोचो कि एक ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था हो जो सबको स्वरोजगार देकर संचालित कर सके, रोजगार देकर संचालित कर सके। तो लगातार जो है जनता ने अपनी राय रखी, बताया कि आखिरकार किस मुद्दे पर वो मतदान केंद्र पहुंचे, क्या उनके जहन में था, क्या उन्होंने सोचा और क्या वो यहाँ के लिए सोच रहे हैं, क्या बेहतरी है बिहार के लिए। वाकई मतदाता बहुत समझदार है और समझदारी से इस बार मतदान हुआ। देखना होगा कि किस नेता की किस्मत किस विधानसभा से जनता ने तय करी है। 10 तारीख को लगातार पता चलेगा। जुड़े रहिए आप भी हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से जनता के बीच से बात करते रहेंगे। नमस्कार।